सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और पास वाला घंटा को बजाए ताकि आपको नया अपडेट का नोटिफिकेशन। अगर आपका फ़ोन में बिना इस्तेमाल के भी मोबाइल डाटा जो यूज़ होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा, चार ट्रिक आपके लिए। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका फ़ोन में ये सब इशू होता है। फर्स्ट ट्रिक जो है वो व्हाट्सअप का है। आपको जाना है व्हाट्सअप का सेटिंग्स में जाकर आप डाटा स्टोरेज यूजर्स देखेंगे, ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको इधर फास्ट में दिख जाएगा व्हेन यूजिंग मोबाइल डाटा, तो उसमें देखिए ऑल मीडिया है। उसका मतलब है आपका फ़ोन में कोई भी आपका फ्रेंड कोई वीडियो आपको सेंड किया, फोटो सेंड किया जो है वो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है, जिसके कारण आपका मोबाइल का डाटा जो है उधर भी यूज़ होता है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन सबको आप टिक मार्क हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। तब क्या होता है, आपको जो भी फोटो आपको देखना है वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, वीडियो जो है डाउनलोड करके देख सकते हैं। तब जो है आपका मोबाइल जो है आपको दिखा देता हूँ। आप नेक्स्ट में आपको जाना है प्ले स्टोर पर जाके आप सेटिंग्स में जाइए, जानकर इधर पे देखिए ऑटो अपडेट ऐप्स। तो आपका फ़ोन में जितना भी एप्लीकेशन है अगर उनका नया अपडेट है तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो सकता है आपका फ़ोन में, अगर ये सेटिंग्स जो है ऑन है। तो इसमें देखिए ओवर एनी नेटवर्क है, ओवर एनी नेटवर्क नहीं रहने देना है। आप डोंट ऑटो अपडेट भी कर सकते हैं या वाईफाई, मतलब आप किसी का वाईफाई कनेक्ट करते हैं तब जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड होगा, लेकिन अगर आप ओवर एनी नेटवर्क देंगे तो आपका फ़ोन का मोबाइल डाटा जो यूज़ करके ऑटोमेटिक अपडेट होगा और आपका डाटा जो है ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा। तो ये ओवर वाईफाई मैंने रखा है, आप रख सकते हैं। और उसके अलावा भी आप देखिए ऑटो प्ले वीडियोस जो है इधर पे देखिए, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, आपका मोबाइल का डाटा जो है इसमें भी जा सकता है। तो ये जो सेटिंग्स है ये सेकंड स्टेप आपको करना है। करने के बाद मैं दिखा देता हूँ आपको अभी थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, सेटिंग्स में आपको जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप इधर पे मोबाइल नेटवर्क पे जाइए। मोबाइल नेटवर्क पे आप देख सकते हैं इधर पे डाटा मॉनिटर शो कर रहा है। आपका फ़ोन में ऐसा हो सकता है डाटा यूजेस या डाटा लोकेटर कुछ भी आपको अलग अलग जो है नाम से ये सेटिंग रहेगा, लेकिन उसका जो वर्क है वो सेम है। तो आपको जाना है डाटा मॉनिटर पे। डाटा मॉनिटर पे जाने के बाद आप लास्ट ऑप्शन देखिए डाटा सेविंग मोड। अगर आप सैमसंग फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड या डाटा सेविंग जो भी ऐसे नाम रहता है तो उसका यूज़ सेम है। तो डाटा सेविंग मोड पे जाना है। जाने के बाद इधर देखिए वाइट लिस्ट ऐप। वाइट लिस्ट ऐप मतलब क्या है, मतलब आप जितना ऐप्स को सिलेक्ट करेंगे उस एप्लीकेशन बैकग्राउंड में नहीं चलेगा। बैकग्राउंड में चलेगा मतलब जैसे आप वो एप्लीकेशन एक बार ओपन करके बंद कर दिए, लेकिन उसका उसमें जो है डाटा यूज़ हो रहा है आपका, कंटिन्यू मोबाइल डाटा जो यूज़ हो रहा है। तो वाइट लिस्ट जब करेंगे उन एप्लीकेशन जो है रन नहीं करेगा, जब आप उनसे निकल जाएंगे या आप उन एप्लीकेशन से बैक कर देंगे डाटा यूज़ नहीं होगा। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन को जो है वाइट लिस्ट करके रखा है, लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, अगर आप फेसबुक व्हाट्सएप को वाइट लिस्ट करेंगे तब आपको उन एप्लीकेशन का कोई नोटिफिकेशन जो है नहीं मिलेगा। तो आप इसे मतलब आपको क्या करना है, कोई भी सोशल एप्लीकेशंस, सोशल नेटवर्किंग रिलेटेड एप्लीकेशंस लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप का जो है आपको वो सब वाइट लिस्टेड नहीं करना है, या आपका जिस एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन चाहिए वो एप्लीकेशन को वाइट लिस्टेड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं इधर में बहुत सारे एप्लीकेशन जो है मैंने वाइट लिस्टेड नहीं किया है। हमारा फ़ोन में जितना भी डाटा यूज़ होता है उसमें 50% ये बैकग्राउंड में चल के जो है डाटा यूज़ हो जाता है। तो ये जो सेटिंग्स है ये सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फ़ोन के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये सेटिंग्स जो है, मतलब हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो VPN यूज़ करते हैं, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो हम लोग ज़्यादातर ब्लॉक वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। आप इधर देख सकते हैं मेरा फ़ोन में जो ये VPN का एप्लीकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, टर्बो VPN, जो ऑन करने के बाद जैसे हम लोग यूज़ करते हैं कोई ब्लॉक वेबसाइट, हम सबको मालूम है हम कौन सा ब्लॉक वेबसाइट एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए मैं टैप कनेक्टिंग दे रहा हूँ, उसमें क्या होता है एक्स्ट्रा जो है डाटा कंज्यूम होता है। आपको दिखा जाता है ऊपर देखिए नोटिफिकेशन आएगा, इधर देखिए आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो इधर पे डाटा कंज्यूम हो रहा है। अगर आप VPN यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे यूज़ कीजिए जब आपको ज़रूरत है, उसके बाद जो है आप उसको हटा दीजिए या आप उसको एप्लीकेशन को क्लोज कर दीजिए, नहीं तो फालतू में जो है आपका फ़ोन डाटा जो है कंज्यूम करता रहेगा आपका मोबाइल डाटा, ठीक है। 5 ट्रिक बताया, वो ट्रिक इस्तेमाल करके जो है अपना मोबाइल डाटा जो है अप टू 70% और 80% जो है आप सेव कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू मेरे